हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो क्लास 11 की पहला चैप्टर है। तो समझते हैं थोड़ा सा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम कैटेगराइज करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शंस पे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर, तीसरे को बोलते हैं टेंसर। तो स्केलर क्या होता है ये समझना पड़ेगा अपने को। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें केवल और केवल क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिर इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें मास की, तो मास के पास क्या, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 20 kg। तो 20 इसका क्या होगा, 20 तो इसके लिए मैग्नीट्यूड हो गया है ना, और ये केजी क्या हो गया, केजी इसकी जो है मास की यूनिट हो गई, लेकिन हमने कभी डायरेक्शन का जिक्र तो किया ही नहीं। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मास हुआ, दूसरा एग्जाम्पल आपका स्पीड हुआ। स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड तो बोलते हैं, 20 इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, लेकिन हम इसके में डायरेक्शन का भी मेंशन नहीं करते हैं। तो जब इसमें डायरेक्शन नहीं है, जिसका मतलब ऐसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं मान लीजिए 10 किलोमीटर। तो 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर इसकी यूनिट हो गई, लेकिन हम कभी इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और साथ में क्या दिया रखा हो, साथ में दिया रहा हो डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम लोग कहें कि स्पीड जैसे हम लोगों ने कहा था कि स्पीड में अगर हम डायरेक्शन दे दें, ठीक है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में बोलते हैं, तो उसको अपन लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है भाई, वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन होता है इसके साथ में। ओके, और दूसरी अगर हम बात करें फोर्स की बात करें, तो फोर्स में भी क्या होता है, हम बोलते हैं 10 न्यूटन, लेकिन साथ हम डायरेक्शन ही बताते हैं कि 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है ना। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, वेक्टर क्वांटिटी के। और ये ऐसी फिजिकल कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हो, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया हो, तो वो कैसी है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है।